नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कसूरी मेथी कैसे बनाई जाए, घर में कसूरी मेथी कैसे बनाए। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों में मैं अपनी साल भर की कसूरी मेथी बना करके रख लेती हूँ, एयर टाइट डब्बे में रख लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ये बहुतायता से मिलती है और सस्ती भी होती है और घर की बनी हुई प्योरिटी भी है इसके अंदर। पहले मैंने सरसों की गुच्छी ली और उसको मैंने इस तरह से पत्तों में निकाल लिया। जो कच्ची डंडी थी वो भी मैंने रख ली है, इस तरह की जो कच्ची है जिसमें नाखून चला जाता है वो मैंने रख ली, और फिर उसको मैंने खुले पानी में धोया, साफ़ किया, वॉश किया। वॉश ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो मिट्टी रह जाएगी और मिट्टी किरकने लगेगी। वॉश करने के बाद में मैंने इसे अपने झरने में, जिसमें एक छलनी में रखा, और छलनी में जब पानी निचुड़ गया फिर कॉटन पर रखा, और कॉटन पर रखने के बाद भी 2 से 3 घंटे मैंने इसे रखा और ये फिर से उसी तरह से फ्रेश हो गई है। अब हम इसे कैसे कसूरी मेथी बनाएं। जब ये सूख जाती है, जब ये आप इसको वैसे धूप में भी सुखा सकते हैं, पर इतना पोल्यूशन है, मिट्टी उड़ती है और उस पर फिर से डस्ट बैठ जाती है। कुछ घरों में लाइट, सनलाइट नहीं आती, ऐसे में आप फटाफट अगर बनाना चाहें और आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें बना सकते हैं। माइक्रोवेव में बस इतना फ़र्क हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के माइक्रोवेव्स हैं, तो किसी में 1 मिनट या आधा मिनट ज़्यादा या कम, इतना ही इसके अंदर अंतर पड़ेगा। तो देखिए मेरी ये कसूरी मेथी, मैंने इसको 2.5 से 3 घंटे देखिए इस तरह से रख सुखा ली, और सूखने के बाद ये फिर से फ्रेश लीव्स हो गई हैं और अब मैं इसको ड्राई करूँगी। फ्रेंड्स देखिए, इसको ड्राई करने के लिए हम इस प्लेट में ही, जो माइक्रोवेव की प्लेट है, इसी को मैं यूज़ करती हूँ, और इसी पर मैं अपनी कुछ लीव्स ले करके, इतनी लीव्स ले करके, और इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी। आप कम भी कर सकती हैं, कम करेंगी तो जल्दी हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। इस तरह से हम इसने मैंने इसको फैला दिया है, आप देख पा रही होंगी। अब इसको हम बंद कर दें और मैं इसे पहले 2 मिनट के लिए सेट करूंगी। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इसके 2 मिनट यानी 2 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसको एकदम से अभी हम नहीं खोलेंगे, हल्का सा इसको आधा सेकंड के करीब इसको रेस्ट देते हैं, और इस समय जब ये ड्राई हो रही है इसके अंदर तो इसकी गंध चारों ओर फैली हुई है। तो अब देखें, हम खोलते हैं और इसको देखें, ये देखिएगा फ्रेंड्स कितनी इसके अंदर से जो है वो इसकी जो स्टीम है वो बाहर आ रही है, मगर अभी हमारी लीव्स को और ज़रूरत है। हम इसको फिर से फैला करके और 2 मिनट के लिए फिर से रख देंगे। फ्रेंड्स ये 2 मिनट फिर मैंने रखी और अब इसके 2 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं, थोड़ी देर में हम इसे खोल करके देखते हैं। इसको हम खोल के देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, और ये अच्छी आप देखेंगे, मैं इस प्लेट को बाहर निकालती हूँ, ये देखिए फिर इसको हम इसमें डाल दें, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स एकदम खरखर की आवाज़ आ रही है, और ये हमारी कसूरी मेथी तैयार है। एक बात और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसको अगर हम धूप में सुखाते हैं तो इतना ग्रीन कलर इसका नहीं आता है। इसकी देखिए सारी स्टेम्स भी खो गई हैं सब ये। अब इसको आप क्रश करके किसी भी एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए, भर लीजिए, और इसका कलर देखिए उतना ही ग्रीन है जैसी हमने
ये लीव्स देखिए, इस लीव्स को रखा था और धूप में जब हम सुखाते हैं तो वो लीव्स जो है वो अपना रंग जो है वो खो देती है। तो इस तरह से हम अपनी कसूरी मेथी तैयार कर सकते हैं, इसकी खुशबू बरकरार रहेगी, इसका रंग बरकरार रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप सर्दियों में जब हमारे ये सब्जियां बहुत आयत्ता से मिलती हैं तो हम उस समय जब सस्ती भी मिलती हैं, अभी मैंने इस समय 10 रुपये में 3 गुच्छियाँ ली, तो 3 गुच्छियाँ का मैंने 1 गुच्छी ले करके और उसको ये कसूरी मेथी बना करके आज मैं रखना चाहूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी बनाइए, और समय समय पर जब प्याज सस्ती होती है मैं प्याज का पाउडर बना के रख लेती हूँ, लहसुन सस्ता होता है लहसुन का पाउडर बना के रख लेती हूँ, उन सब की आपकी वीडियो जो है समय समय पर डालूँगी और डालती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि आपको मेरी ये इस तरह का बनाना अगर आपको पसंद आता है और आप फील करती हैं कि आपको अच्छा लगा है और यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स ए लॉट फ्रेंड्स।